चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पैन कार्ड की फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज को अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी साइज हम कैसे बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ देखने के लिए आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि इमेज और फ़ोटो की जो साइज होती है वो किस आधार पे और कैसे उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक, चलिए अब देखते हैं कैसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप में जाइए, अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी है, और उसके बाद आप वो फोटो और सिग्नेचर को, आप चाहे अंगूठे का निशान हो या कि जो भी फ़ोटो हो आपके पास, वो फ़ोटो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे ये फ़ोटो है। ठीक, इसी फ़ोटो को आप पैन कार्ड में लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप इस पे क्रॉप पे निशान पे क्लिक करोगे और यहाँ पे विड्थ 1.8 इंच और 1.8 इंच यहाँ, हाइट और विड्थ, और रेजुलेशन इसकी 300 रखोगे। ठीक, और जैसे ही आप ये करके ये क्रॉप बटन को ये करते हो और इंटर करते हो, ये आपकी इमेज उस रेजुलेशन पे फिट हो जाती है। और फिर इसके बाद आपको इमेज पे जाना है और इमेज साइज पे जाना है। यहाँ पे जो भी लिखा है आप देख सकते हैं, हाइट विड्थ वो जो आपकी फ़ोटो के हिसाब से है, लेकिन आपको यहाँ पे 213 और हाइट विड्थ दोनों करनी है, और रेजुलेशन यहाँ पे 300 करना है, और ओके कर देना है। ठीक, ये आपकी फ़ोटो आप जो पैन कार्ड पे अपलोड होती है, जब आप पैन कार्ड नया बनाते हैं तब के लिए ये एकदम परफेक्ट होती है, और आप इसे सेव एज करके जो भी आप नाम देना चाहो डेस्कटॉप पे, आप यहाँ पे जैसे मैंने नाम दिया है तो PNG ना करके आप इसको JPG करोगे। ठीक ठीक, और यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहो, ठीक, सेव कर दोगे, और यहाँ पे बेसलाइन स्टैंडर्ड ये जो लिखा है इसी पर क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। ठीक, अब बात आती है सिग्नेचर की, तो आप फिर ओपन पे जाओगे और सिग्नेचर मान लीजिए किसी का भी हो, या कि आपके पास जो आपको डाउनलोड अपलोड करना है वो सिग्नेचर आप, ये जैसे मैंने इसे ले लिया, ठीक, ये नहीं आ रहा तो हम दूसरा ले लेते हैं, पिक्चर्स पे चले जाओ, मान लीजिए ये अंगूठे का निशान है, ये इसी को आपको अपलोड करना है। ठीक, तो आप इसको क्या करोगे, इसकी हाइट विड्थ जो भी आपको रखना हो रख लीजिए, इससे नहीं मतलब है, इमेज साइज पे ही आपको जाना है, और यहाँ पे आपको 600 रेजुलेशन पे करना है, और इसकी साइज कम से कम 200-250 से अंदर हो और 150 से कम हो हाइट में। ठीक, तो ओके कर दीजिए आप। ठीक, ये आप जो यहाँ से इमेज साइज है यहीं से आपकी इसकी KB घटती है, अगर आप चाहो तो इसको 250 कर सकते हो और इसको 160 कर सकते हो, और या कि और कम करना हो तो आप इसको 220 कर दीजिए और 140 ओके कर दीजिए। ठीक, इसको भी आप सेव एज पे जाइए, डेस्कटॉप पे साइन और JPG ही चुनेंगे आप और इसको सेव कर देंगे, और इसको भी बेसलाइन स्टैंडर्ड पे ही आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। ठीक, अब ये दोनों चीज़ें आपकी जो है यहाँ पे जो भी आपने रखा है, पहले सिग्नेचर, ये साइन और ये जो नाम फोटो, ये आप दोनों पैन कार्ड पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे जब आप अपलोड करोगे CSC पे जाके, तो इसकी जो साइज होती है वो यहाँ पे लिखा है, ठीक, वहाँ पे वो बताएगा, तो आप हस्ताक्षर दोनों चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो और डाल सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए आपको PDF कैसे बनाते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, ये देखिए, पिक्चर्स पे जाइए, जैसे यहाँ पे हमने 1, 2, 3 तीनों का हमने PDF ये बना रखा है। ठीक, तो ये आप PDF देख सकते हो कि PDF बनता कैसे है, ये सब चीज़ें। ठीक, तो हम आपको ये अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे PDF बनेगा। तो अगर आपको इस चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।